morning guys, my name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. चलो स्टार्ट करते हैं रेलवे सीरीज का पहला वीडियो. इस रेलवे सीरीज में अपन जो है रेलवे के जितने भी अपकमिंग एग्जाम है जैसे RPF SI और RPF कॉन्स्टेबल इसको कवर करेंगे और साथ के साथ जो भी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं इसके इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे राज्य और उनके क्षेत्रफल है, राज्यों के गवर्नर और CM है, कैपिटल है, राष्ट्रीय उद्यान से बैंक और उनके हेडक्वार्टर्स उनकी स्थापना, इंडिया के बाहर चले जाएं तो बाहर के जो देश हैं वहाँ के PM कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वहाँ की मुद्रा क्या है, कैपिटल क्या है, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे. ठीक है, तो आज अपना पहला वीडियो है रेलवे सीरीज का. तो इस पहले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे राज्य और उनके क्षेत्रफल जिसके क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अपकमिंग एग्जाम जो है RPF के कॉन्स्टेबल SI उनमें ही पूछे जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 342,239 राजस्थान का क्षेत्रफल है. ठीक है, मध्य प्रदेश जो कि राजस्थान से छोटा है इसका क्षेत्रफल कितना है? 308,252. ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल देश राजस्थान है भारत में, उसके बाद है मध्य प्रदेश जिसका क्षेत्रफल है 308,252. उसके बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है 307,713 इसका क्षेत्रफल है किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में देख रहे हैं अपन इसको. ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जो कि चौथे नंबर पे है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 240,928. ठीक है, देन जम्मू कश्मीर का है 222,236. अगला है गुजरात राज्य की बात करें तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा चुका है ग्रुप डी के एग्जाम में, इसका कितना है? 196,244 इसका क्षेत्रफल है. ठीक है, कर्नाटका की बात करें तो है 191,791. ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें आंध्र प्रदेश का है 160,205 आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल है. उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य का क्षेत्रफल है 155,707. ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं छत्तीसगढ़ का है 135,192. ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 130,060 इसका क्षेत्रफल है. तेलंगाना की बात करें इसका है 114,840. बिहार जो कि 1,00,000 से भी कम है इसका क्षेत्रफल है 94,163. पश्चिम बंगाल 88,752. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका है 83,743. झारखंड राज्य की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 19,714. असम राज्य की बात करें तो है 78,438. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका है 55,673. ठीक है, उत्तराखंड राज्य की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 53,483. ठीक है, आगे बढ़ते हैं पंजाब राज्य की बात करें तो उसका है 50,362 और हरियाणा भी उससे छोटा है. कितना छोटा है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 44,212. केरल की बात करें तो वो उससे भी छोटा है 38,863. बात करें मेघालय की तो मेघालय का है 22,429. मिजोरम इसका है 22,327. उसके बाद है मणिपुर का है 22,327 और मिजोरम का है 21,081. नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का और भी कम है, मात्र 16,579. त्रिपुरा की बात करें तो है 10,486. सिक्किम की बात करें तो 7,096 का है और गोवा की बात करें तो इसका है
3702। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने राज्य और उनके क्षेत्र पर। तो रेलवे सीरीज का पहला वीडियो है, अगला वीडियो में कुछ अलग टॉपिक अपन कवर करेंगे, डेली का एक वीडियो आएगा इसका। तो इस सीरीज को भी आप कंटिन्यू कीजिए, इसके लिए आपको आरपीएफ की जो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, इसमें कॉन्स्टेबल और एसआई साथ में ग्रुप डी के जिनके एग्जाम बाकी है उनके भी कुछ एक क्वेश्चन सही चले जाएंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स के वीडियो चल रहे हैं उनको भी आप चेक कर लीजिए, और इंग्लिश के वीडियो चल रहे हैं जिसमें भी वर्ब चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स।